सर कॉलेज ब्रांच डैडीज मनी अब स्ट्रेस लोगों को लगता है ज्यादा काम से अगर ज्यादा काम से हो रहा होता ना तो कोई सक्सेसफुल बन ही नहीं पाता क्योंकि वो फटी मेरी बॉडी गिव अप कर देगी वैसे ही माइंड भी गिव अप करता है कंपनीज को चाहिए पैसा पैसा चाहिए तो उनको चाहिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगर मिड सेम में चार दिन की तैयारी से हो रहा है तो अच्छी बात है फिर बाकी दिन कुछ और करो <laughs> है एवरीवन सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम डीप टॉक्स करेंगे यहाँ पर मोटिवेशन की बात डिस्ट्रैक्शन की बात और जो नए नए टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे सो so, आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो है मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त तेजस साजवान तो अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हेलो एवरी वन माई नेम इज़ तेजस साजवान करंटली आई एम परसुइंग सी एस सी इन आई आई टी रोड की आई एम अ सेकेंड ईयर राइट एंड आई क्लियर जे इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन

तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़ता है कैंपस में आने के बाद पहले तो क्या होता है कि इलेवन ट में सिर्फ हमें जे या फिर जो स्पेसिफिक हमने एग्जाम दिया है उसके रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें ठीक है लेकिन अब यहाँ पे कैंपस में आने के बाद कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं और कुछ कुछ अलग से थाट्स होते हैं उनको भी देखना है और अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है और साथ ही में जो करियर है उसको भी देना है इसके ऊपर मतलब मेरी काफी एक अच्छी मतलब एक काइंड ऑफ थ्योरी कह सकते हैं या कुछ है कि जो स्ट्रेस होता है ना उससे जितना स्ट्रेस बढ़ेगा ना उतना टाइम मैनेजमेंट आपको डिफ़िकल्ट लगता है अब स्ट्रेस लोगों को लगता है ज़्यादा काम से अगर ज़्यादा काम से हो रहा होता ना तो कोई सक्सेसफुल बन ही नहीं पाता ज़्यादा काम से स्ट्रेस नहीं होता है स्ट्रेस होता है फॉर एग्जांपल अगर हम दो एग्जांपल्स लेते हैं एक तरफ मुझे दस हज़ार ईट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है दूसरी जगह से दूसरी तरफ क्या है कि मेरे को ऐसे दस काम करने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके और बहुत छोटे छोटे काम हैं ठीक है थीक तो थीक। इनका जो समय वो हो सकता है दस हजार ईटों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने वाले काम से दस गुना कम मेहनत का हो बट स्टिल दिस विल क्रिएट मोर स्ट्रेस वाई बिकॉज दिस वर्क इज अप ये दस अलग अलग जगह जाके करना है दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी कि दस जगह जाना था दस जगह जाना था और हो सकता है वो जो भूलने का डर होता है ना दैट हाँ ये टास्क मिस हो गया या इसकी डेडलाइन निकल गई दैट इज वॉट क्रिएट्स मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेस तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे important होता है पहले तो लिखना लिखना स्टार्ट करो काम चाहे मतलब जितने बढ़ रहे हैं ठीक है वो हम बाद में हैंडल करेंगे बट लिखो अगर तुम्हारे पास एक पेपर है या कोई भी दो जगह है तीन जगह है अगर तुम्हारे माइंड में ये श्योरिटी है कि जितने भी ब्रह्मांड में, में मेरे काम है वो इन तीन जगहों पे स्पेसिफाइड हैं तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा ट्रशम ही नहीं होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ लाइक कुछ काम मतलब पहले काम लिखो उनको फिर कैटेगराइज करो कुछ काम होते हैं जो लीस्ट प्रायोरिटी जो मे बी हमको हमेशा ही करना है फॉर एग्जाम्पल मेरी मतलब मैं सीपी करता हूँ तो सी पी नथिंग कि ऐसे एज एन अभी मैंने छः से सात नहीं की तो कुछ दिक्कत हो जाएगी मैं आठ से नौ कर लूंगा मुझे हर दिन करनी है थोड़ी बहुत करनी है किस दिन ज़्यादा करनी है वो एक कैटेगरी हो गई ठीक है दूसरी कैटेगरी हो गई डेडलाइंस कि कल मेरे को ये सबमिट करना है परसों मेरे को ये सबमिट करना है और तीसरी कैटेगरी हो गई जिनकी डेडलाइन नहीं है बट वो काम करने हैं जैसे पॉडकास्ट करनी थी तो आगे तो ये काम था वैसे ही ऐसे कैटेगराइज करके अपने ऊपर ये मेरी कैटेगरीज हैं अपने तुम वीकली बना सकते हो आर्ली बना सकते हो एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रियलिस्टिक टाइम टेबल्स टाइम टेबल सब बनाते हैं फॉलो नहीं होते क्योंकि रियलिस्टिक नहीं बनाते हैं उनको जो जब वो टाइम टेबल बनाते हैं तो फिर वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस मान के चलते हैं जब फॉलो करने की बारी आती है तो अपने वर्स्ट पे आ जाते हैं और और जब फॉलो नहीं कर फिर स्ट्रेस वो सीधा पाइलअप करता जाएगा अगर सुबह गंदा हुआ शाम तक आते आते अगर तुम 50 भी कर पा रहे हो वो ट्वेंटी फाइव बनने में टाइम नहीं लगता उसको तो रियलिस्टिक गोल सेट करो सुबह जैसे जैसे दिन का अगर टाइम टेबल बन रहा है तो सुबह थोड़ी लाइट रखो ताकि तुम ट्राई करो कि अपने टाइम टेबल को बीट कर सक रहे हो तो ताकि रात का जो है वो अच्छे से बीतेगा मे भी रात को थोड़ा सा बढ़ा दो कि अगर तुमने सुबह इतने ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिए कि 12 सुबह 12 एक बजे तक के ही गोल्स तुम्हारे 4 बजे तक हो रहे हैं उसके बाद तो तुम्हारा ब्रेन गिव अप कर देगा इमोशनली अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है अगर मेरे को पता है कि मैं आ, क्या कहते हैं खाने के बाद मेरे को थोड़ी सी नींद आती है तो सोने का डालो उसमें तुम यू कांट मतलब ऐसे आउटस्मार्ट स्मार्ट योर ठीक है

अगर मतलब सिंपल सी बात है अगर मुझे कोई रविंद्र में काम होगा जैसे रविंद्र के सामने स्टूडेंट्स क्लब है मान लो स्टूडेंट्स क्लब में कोई काम होगा तो मैं ऐसे ऑर्डर करूंगा कि वो दोनों साथ में ही हो ताकि एक साथ हो जाए वैसे ही बॉडी के साथ भी होता है कि अगर कोई काम ऐसा है जो किसी और के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है या कोई काम ऐसा है जो किसी और के साथ बिल्कुल ही मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर भागना है वर्कआउट करना है और फुटबॉल खेलना है मैं दोनों को साथ में नहीं रखूँगा एक चीज़ सुबह एक चीज़ शाम कर लूँगा क्योंकि वो फटीक मेरी बॉडी गिवअप कर देगी वैसे ही माइंड भी गिवअप करता है बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में पहले तो कॉलेज कॉलेज होता है कि अपने को अच्छा कॉलेज चाहिए सुपीरियर कॉलेज चाहिए उसके बाद भी लेवल अप कर देते हैं कि अपने को ब्रांच अच्छी अच्छी है ब्रांच अच्छी अच्छी है इसका सिंपल सा फंडा ये है कि यार कॉलेज ब्रांच ठीक है डैडीज मनी है ना ये सब चीज़ें अगर मैं ऐसे गिनने लग जाऊँ लोकेशन तुम्हारे घर की लोकेशन मतलब एक बंदा दिल्ली में है और एक बंदा किसी रिमोट विलेज में है तो ये क्या है डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सब चीज़ें इन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं बट दीज डू नॉट लीड टू अ ऐसे क्या कहते हैं ब्रेक टू योर करियर दिस शुड नॉट लीड टू अ ब्रेक टू योर करियर ये सब हेड हेडस्टार्ट है जो दूसरों को मिल रही हैं बट इनसे वो रेस जीत जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है तुम्हें तो क्या करना होगा अगर मैं किसी बंदे को 10 मीटर आगे खड़ा कर दो तुम्हारी रेस में ठीक है तो तुम्हें क्या करना है उसको आउट स्मार्ट आई I मीन mean, मतलब उसको बीट करना पड़ेगा आउट स्मार्ट नहीं सॉरी बीट करना पड़ेगा योर स्पीड तो बेसिकली तुम्हें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी वो दस मीटर आगे खड़ा है तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हें ये भी दिखना चाहिए कि तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी है ये नहीं कि मैं रेस ही नहीं भागूंगा कि कर दे, कि हम नहीं कर दे और लाइफ की रेस तो बहुत लंबी है यार सौ दो सौ मीटर तो होती नहीं है इतने साल मिलेंगे कि तुम आराम से मतलब ऐसा भी नहीं कि रात दिन एक करना है आराम से किसी को क्या कर सकते हो बीट कर सकते हो किसी को पीछे छोड़ सकते हो जिसके पास पहले से हेडस्टार्ट था भी बट अगेन हेयर कम्स डेडिकेशन डेडिकेशन होनी चाहिए बीट करने की ऑब्वियसली अप करने के थॉट्स आते हैं हायर ब्रांचेस वालों को भी आएंगे कभी कभार इस कॉरपोरेट uh, वर्ल्ड में जितना कॉम्पिटिशन है या फिर मतलब कॉर्पोरेट क्या है इन चार साल में भी जितना कॉम्पिटिशन हम फेस करते हैं कई बार ख्याल आता है कि यार इतने ज़्यादा लोग आगे निकल चुके हैं कि हमको छोड़ देना चाहिए बट वहाँ पे आपकी डेडिकेशन टेस्ट होती है और आपको गिव अप नहीं करना होता है अब आ, मतलब फैक्चुअली मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ कि ब्रांच से कितना फ़र्क पड़ता है या कॉलेज से कितना फ़र्क पड़ता है कॉलेज में थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि ऑब्वियसली कंपनीज़ सिंपल सी बात है कंपनीज़ को चाहिए पैसा पैसा चाहिए तो उनको चाहिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उनको भी उनको भी पता है कि उनको मतलब ऑब्वियसली ये होगा कि आई में वो पहले जाएंगी जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव ज़रूरी नहीं है सारे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो बट ऑल इन ऑल अगर उनको मेजोरिटी देखेंगे वो तो जनरली एवरेज जो प्रोडक्टिविटी होगी उनको ऐसा लगता है ज़्यादा होगी ओके बट अगेन ऑफ कैंपस नाम की भी चीज़ होती है अगर कोई लोअर कॉलेज में है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल सेट है उसका कोई कंपनी क्यों नहीं लेगी उसे ऑब्वियसली उन्हें भी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो वो लेगी अब जहाँ तक आती है ब्रांच का सवाल सी एस सी या सर्किटल ब्रांच में होने का एक फ़ायदा होता है कि जो हमारा बेसिकली uh, जैसे टेक फील्ड में अब कोर में तो ऑब्वियसली मतलब मैं सी एस सी का होकर बायोटेक के कोर में जाऊँगा तो मेरे लिए वो सेटबैक है सर्किटल कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है नहीं बट जहाँ तक आजकल ट्रेंड है या फिर जो आजकल सबका मन रहता है कि टेक में जाना है टेक में जाना है तो उधर हमें एडवांटेज इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे जो कोर्स हैं वो टेक ओरिएंटेड हैं बाकी ब्रांचेस के नहीं हैं तो वो हमारे लिए एक थोड़ा सा हेड स्टार्ट है कि हमें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं हमें भी पढ़ना है एक्स्ट्रा बट फिर तो भी, भी, भी हमारे ओवरलैपिंग है हाँ वही तो फिर हमें वो हेल्प कर देता है थोड़ा सा एडवांटेज दे देता है बट अगेन वो हमें एडवांटेज दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ब्रांचेस के ट्राई नहीं करते बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनमें मतलब लोअर ब्रांचेस लोअर नहीं कहना चाहिए अदर देन सर्किटल ब्रांचेस के भी सीनियर्स बहुत ज़्यादा फोड़ के गए हैं हमसे ज़्यादा फोड़ के गए हैं और वो सही भी है अगर आ, कोई अपनी डेडिकेशन उस तरफ दिखा रहा है टेक ओरिएंटेड उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किल सेट तो क्यों नहीं लेगी कंपनीज़ और कंपनीज़ थोड़ा बहुत मतलब जो करेंगी क्योंकि उनको पता है कि कोर्स स्ट्रक्चर हमारा ओवरलैपिंग है तो मे बी थोड़ा सा प्रेफरेंस उस साइड मिल सकती है बट स्टिल अगर अगेन इफ़ यू इफ़ यू कैन प्रूव योर तो फिर कोई भी कंपनीज़ तुम ऐसे नहीं देखेगी कि तुम्हारी ब्रांच है या वो है और बट उसको मतलब एज अ सेटबैक नहीं लेना है अपने स्किल्स में और काम करो अपने आप प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ अच्छी हो सकती है और ऑब्वियसली सी भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो उसकी तरफ भी देख लेना और आजकल सोर्सेज तो ओपन काफ़ी है हाँ आजकल आजकल के ज़माने में मतलब ऐसा तो बिल्कुल ही हाँ। वो केस ही नहीं है कि मतलब ये नहीं मिलेगा पढ़ने को या वो नहीं मिलेगा मतलब पूरा सब कुछ जितने क्लब्स कोर्सेस कोर्स सब कुछ नेट से ही आ रहा है जो आ रहा है नेट से ही आ रहा है तो फिर cost, हाँ मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मतलब जितने लोग पढ़ाने वाले हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि जितना हो सके ब्रांच डिस्पैरिटी कॉलेज डिस्पैरिटी हटा सके और मेरिटोक्रेसी पे हम मतलब जो इंटरव्यूअर्स हैं वो भी लें बट अगेन उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो हर कॉलेज नहीं जा सकते हुँ. वो एक कॉलेज में 1400 लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते तो फिर जहाँ पे वो कट ऑफ डालने लग जाते हैं वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती है जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है उसके बीच में कितने हार्डल्स आते हैं कि कितने डिस्ट्रैक्शन आते हैं और कैसे अपने सिलेबस को मैनेज करना है बाकी भी चीज़ें आती है तो उन चीज़ों को टाइम मैनेज करना और अपने फोकस को मेनटेन करना वो एग्ज़ाम अपने कॉम्पिटेटिव भी हो सकता है फिर अपने जैसे तो क्रैक कर लिया ले आई लेकिन यहाँ पर भी कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं बाकी चीज़ें भी चल रही होती है एक्टिविटीज़ तो कॉलेज के एग्जाम्स को इतनी प्रायरि नहीं दे पाते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें कॉम्पिटेटिव भी या फिर कॉलेज एग्जाम्स हाँ कॉम्पिटेटिव और कॉलेज एग्जाम दोनों की मतलब एकदम मैं स्पेसिफिक जाऊँगा तो काफ़ी अलग चीज़ हैं वो तो है ही हैं पर इन जनरल जो मैंने देखा है एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं दूसरों को देखना दूसरों को मत देखो दूसरों को देख के तुम अपनी स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड मत करो ठीक है क्योंकि उसका माइंड कुछ और हो सकता है तुम्हारा कुछ और है मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक बार में पढ़ के पूरा याद कर लेते हैं ऐसे भी है जो तीन दिन बाद भी नहीं कर पाते तो अपने हिसाब से फॉर सेफ्टी मतलब जितने हो सके मैं तो कहूँगा जिस भी एग्जाम की बात करो भले वो कॉलेज है भले वो कॉम्पिटिटिव है जो भी है उसके सैम्पल एग्जाम्स जितने दे सकते हो मतलब उसको मिमिक करते हुए जितने एग्जाम्स तुम पहले दे सकते हो दो एक सेट करो बार कि हाँ मैं इतना पढ़ के दूंगा मे बी उससे हो जाए तो अच्छी बात है यानी कि तुमको अपना बार मिल गया कि यार मुझे जैसे कॉलेज एग्जाम्स है फॉर एग्जाम्पल तो जैसे फर्स्ट सेम में यार अपना बार एकदम सेट हाई करके रखो क्योंकि सेफ्टी के लिए जस्ट फॉर द सेफ्टी कि इतना करूँगा तो देखते हैं क्या होता है जब वो हो रहा है एक मिड सेम बीतेगा या एंड सेम बीतेगा कुछ भी तो तुम्हें अकल आएगी कि यार ये काफ़ी था या नहीं था अगर सी जी गंदी आई तो फिर दूसरे को मत देखो यार मैं मेरा पढ़ के भी नहीं आता और उसका बिना पढ़े आगे वो है अलग तुमसे उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा उसके ऊपर रोके कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें उससे ज़्यादा पढ़ना होगा ये बात एक्सेप्ट करो और पढ़ना चालू करो उससे मत पूछो कि वो कैसे पढ़ता है या क्या पढ़ता है वो तुम्हें भी वही बताएगा क्योंकि टीचर उसका भी सेम है तुम्हारा भी सेम है बुक्स उसकी भी सेम है तुम्हारी भी सेम है और नेट दोनों के पास है हाँ थोड़ा बहुत ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज या कोई सोर्सेज हैं जो वो देख रहा है जो तुम्हारे पास नहीं है तो अलग बात है बट मोस्ट प्रोबली मोस्ट इन मोस्ट सिनारी ऐसा ही होता है कि दोनों का सब सेम होता है ना फर्क कहाँ आता है अपने आप को जानने में कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो टाइम दीजिए अगर कम में हो जा रहा है तो अच्छी बात है फिर ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ एंड देन प्लान योर स्ट्रक्चर या फिर जो भी एग्जाम्स के कंप्लीट कर हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर मिड सेम में चार दिन की तैयारी से हो रहा है तो अच्छी बात है फिर बाकी दिन कुछ और करो और अगर चार दिन से नहीं हो रहा है पहले से करना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, -थोड़ा पहले से स्टार्ट करो, वहां भी, बाकी काम भी आ जाएंगे, और तुम्हारा हो, की, की हो गया सी हो गया कोई जिसमें फुल फोकस चाहिए उसमें आएंगे लॉन्ग टर्म है हाँ तो डिस्ट्रेक्शन अगेन डिस्ट्रैक्शन में भी मैं वही कहूंगा अपने को जैसे मैं अपने को जानता हूँ कि अगर मेरे को इलेवेथ ट्वेल्थ में फोन दिया जाता और सोशल मीडिया का एक्सेस दिया जाता मेरा बहुत बुरा एग्ज़ाम जाने वाला था ये मैं मे बी लेट समझाऊँ मतलब मैं इलेवेंथ ट्वेल्थ के बीच में कहीं पे समझा था बट मेरे पेरेंट्स को पता था उनकी बात मानो अगर वो तुम्हें किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर कर रहे हैं उसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है मैं भी गुस्सा हुआ था मे भी आए उसको समझो उसको रियलाइज़ करो मेरी वाली गलती मत करो कि वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ठीक है अगर वो कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं देना है तो फिर भलाई चाहते हैं तुम्हारा उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं दिया था इलेवन ट्वेल्थ मतलब स्मार्टफोन नहीं दिया था वो वाला ऑब्वियसली कनेक्टिविटी के लिए तो चाहिए होता है बट तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि नहीं दिया था अगर दिया होता आज मैं आईआईटी में शायद ना बैठा होता तो मुझे पता है तो डिस्ट्रैक्शंस को लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खेलने ही नहीं गया मैं खेलने हर रोज़ एक दो घंटा खेलने जाता था उस वो मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन काइंड ऑफ ऐसी थी कि आ, जितनी भी फोन के अलावा यार मैं तो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने वालों पे कि फ़ोन को अगर तुम्हारा अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो ओके okay, कोई दिक्कत नहीं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हों जो अभी भी आई में बैठे हुए हैं कुछ हैं जो मुझसे ऊपर बैठे हुए हैं और उनके पास स्मार्टफोन्स थे ठीक है बट द पॉइंट इज़ कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कि वो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर कर दो वाई बिकॉज बाकी डिस्ट्रैक्शन खेलना हो गया या कहीं म्यूज़िक हो गया या कुछ हो गया कोई क्लास जाते हो लॉन्ड टेनिस खेलते हो कुछ खेलते हो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मतलब तुम एक पॉइंट के बाद बोर हो सकता लाइक like एक घंटा खेलोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ एक घंटा कर लिया इनको तुम टाइम कर सकते हो फॉर एग्जांपल खेलना है मैं अकेले थोड़ी ना भागने लग जाऊंगा ग्राउंड में जब दोस्त आएंगे सब आएंगे तभी होगा तो वो दो घंटे से ज़्यादा ना दोस्त रह पाएंगे ना मैं रह पाऊँगा बट फोन ऐसी चीज़ है तुम सुबह उठते हुए रात चार बजे शाम चार बजे किसी भी टाइम पे बाथरूम में बाहर कहीं पे भी वो अवेलेबल है और वो एज अ डिस्ट्रैक्शन काम करने के केपेबल के भी है क्योंकि फोन इतनी बड़ी दुनिया है फोन की कि तुम कभी बोर नहीं होने वाले चार पाँच घंटे बीत जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा तो मतलब इन जनरल जो आ, होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप फिजिकली जितना हो सके फिट हो एक्टिव हो जितना हो सके मतलब इलेवेंथ ट्वेल्थ में यार ये चीज़ जरूर ध्यान रखना खेलने नहीं जा सकते तो वॉक के लिए जाओ कुछ भी करो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखो हेल्थ को लोग इग्नोर कर देते हैं कॉम्प स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बिल्कुल ही कि मतलब बैठ गए और खाना पीना सोना किसी का हिसाब ही नहीं है ठीक है मैं समझता हूँ मैं भी उस फेज से गुजरा गुजराऊ हो जाता है बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान ऐसे रख लिया करो कि हाँ एटलीस्ट वॉक पर चले गए खाना टाइम पर खा गया दीज आर सम मेजर्स विच आर विच कैन बी ईजीली अचीव्ड तो फिर ये सब तो एटलीस्ट कर ही लो तो फिजिकल और मैंटली जितना हो सके मतलब डिप्रेशन एन्जाइटी ये सब चीज़ें होती है स्टेबल रखो मे बी गाने सुन लो कुछ कर लो समथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव कुछ भी वट एवर रिलैक्स योर माइंड फ़ोन दोनों का उल्टा कर लेता है तुम्हें फिज़िकली एक जगह पे बिठा देता है और मैंटली तुम्हारे दिमाग में इतनी फालतू की चीज़ें चल रही होती है ना तो इससे अच्छा कि तुम रैंडम चीज़ें अपने दिमाग में घुसाओ उससे बेटर है कि सो जाओ वो बहुत बेटर है फ़ोन चलाने से अगर तुम्हें सही में बैठना ही है तो से जितना तो हो सके दूर हो ठीक है तो ऐसा नहीं की क्योंकि कंपटीशन इतना ये बिहेव करना चाहिए तुम्हारी ये चीजें होनी चाहिए तो इस काइंड में जो हमारी मेंटल स्टेट हो जाती है बहुत लेवल की खराब हो जाती है लोग anxiety, और लोगों को एंगजाइटी डिप्रेशन और स्टार्टिंग में जो खास तौर तो फर्स्ट ईयर आ रहा है तो वो फील करते हैं ये जितनी भी मेंटल हेल्थ होती है ना वो सबसे ज़्यादा गवर्न होती है आपकी मेंटल डाइट से हाँ। जो आप खाते हो अगर उससे आपकी फिज़िकल हेल्थ डिसाइड हो रहे हो जो आप सुनते हो उससे आपकी मेंटल हेल्थ डिसाइड होती है ये फैक्ट है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है एक तो अच्छी चीज़ें सुनो यार बेफालतू में इंस्टाग्राम रील्स करना हाँ। स्क्रोल करना या फिर अंड शंट वीडियोज़ देखना ठीक है ये सब चलो ठीक है फ़न के लिए ठीक है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है बट चलो ये एक फिर भी स्मॉलर पोर्शन ऑफ मेंटल हेल्थ हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेंटल हेल्थ के लिए होता है वो होता है दोस्त या फिर तुम्हारे पीयर्स या फिर सीनियर्स जिनसे भी तुम बात कर रहे हो वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी संग हाँ अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट किन लोगों के साथ तुम बैठ रहे हो किन लोगों के साथ तुम बात कर रहे हो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जितना हो सके उसको जितना लेवल अप कर सकते हो ना अपने सराउंडिंग्स को उतना करो अच्छे सीनियर्स से मिलो अच्छे दोस्त बनाओ मतलब समझो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्लब्स ज्वाइन करो अगर हो सकता है क्लब से क्या फायदा होता है कि तुम्हारे ऐसे लोगों से बात होती है जिनका एटलीस्ट uh, एक फील्ड तो कॉमन है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है तो दैट विल एड टू योर प्रोडक्टिविटी रादर देन ऐसे लोग जो बस बकवास करना जानते हैं तो उससे मतलब एंगजाइटी डिप्रेशन ये सब टैकल उसी से हो सकता है जब तुम आपस में अपना सर्कल अच्छा रखोगे लेकिन सर्कल अच्छा रखने पे कुछ लोग बोलते हैं कि फिर वो लोग बहुत फोड़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं फोड़ रहा या वो नहीं वो नहीं फोड़ रहा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन एक्सेप्टेंस इज़ द की एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ लेकिन मैं आगे भी अच्छा कर सकता हूँ बात करो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार ये लोग तो पहले से हैं या तो कहीं से ऐसा सीनियर पता लगाओ या पियर पता लगाओ जो तुम्हारे स्टेज पे था फर्स्ट ईयर में अगर मैं फर्स्ट ईयर राइट्स को ऐसे आ, वो बताऊं तो फिर तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स हैं बहुत सारे सीनियर्स जो अब कॉलेज लाइफ में एंटर करते हुए उनको कोडिंग का सी भी नहीं आता था और आज वो पता नहीं कितने कितने करोड़ के पैकेज लेके बैठे हुए हैं ठीक है अगर पैकेजेस की बात ना भी कर तो सेकेंड ईयर में भी उन्होंने इतना लेवलअप कर लिया है सेकेंड ईयर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इतने सारे सीनियर हैं उनसे बात करो कि क्या है उनसे मतलब कहीं से पता लगाओ कोई ऐसा सीनियर जो तुम्हारे स्टेज पे था मिल जाएगा बहुत सारे होंगे और उनसे इंस्पायर हो ठीक है एंगजाइटी और दोस्तों मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाता है तो थोड़ा यार मोस्टली एंगजाइटी डिप्रेशन ये सब इसलिए होता है कि uh, जब लोनलीनेस बढ़ती है इंटरेक्शन हाँ इंटरेक्शन बढ़ाओ जितना हो सकता है सोशल बनो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको नहीं पसंद बट यार ज़बरदस्ती कर लो मैं तो कह रहा हूँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि तुम कतई पढ़े हुए हो कहीं पे कि हर पूरे दिन भर बातें ही बातें कर रहे हो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारा जितना कंफर्ट लेवल है जितना पुश कर सकते हो उतना करो मतलब ऑब्वियसली जैसे अब मैं कल को वेट लिफ्टिंग के लिए जाता हूँ तो, तो सौ किलो नहीं उठाऊंगा ना धीरे 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 बढ़ाऊंगा वैसे ही तुम अपना सोशल इंट्रैक्शन जो है मे बी तुमको कमरे में रहना पसंद है तो एटलीस्ट एक दोस्त बनाओ ढंग का जो तुम्हें मतलब गाइड करे या कुछ कुछ अच्छा बताए गाइड ना भी करे कुछ ज्ञान ना दे कुछ ना करे बस सुन ले सुन तुम्हारी और बस मतलब समवन यू कैन हैव फन विद

बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर सकती है बहुत ज़्यादा अच्छी भी कर सकती है तुम्हारी कॉलेज लाइफ जो रिलेशनशिप चीज़ होती है ठीक है अब जहाँ तक इसका सवाल है यार देखो अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है सब कुछ ठीक है अगर तुम्हें बाय चांस किसी को अप्रोच करना है अच्छे से अप्रोच करो ठीक है जो लोग आ, मतलब पीयर प्रेशर में आके नहीं तुम्हें सही में कोई मतलब इंटरेस्ट है किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है उससे बात करो वाइब मैच कर रही है सब कुछ है तो करो अच्छी बात है बट दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जिसको कभी मत करना एक बंदी पटाओ मैंटेलिटी ऑब्जेक्टिफिकेशन ये सब जितने भी लड़के या लड़कियाँ जो भी करते हैं बिल्कुल गलत है मतलब मैं खुद नहीं सुनता ना मैं अपने जूनियर से एक्सपेक्ट करूँगा ना मेरे दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त है जो ये सब मेरे सामने कर पाए बिल्कुल गलत है ठीक है मतलब तुम एक ऑपोजिट जेंडर से बात करने का उनके बारे में बात करने का उनके पीठ पीछे उनके बारे में बात करने का हर चीज़ का एक तरीका होता है वो लाइन तुमने कभी क्रॉस कर दी तो वो एथिकली भी राइट right नहीं है और आगे जाके बहुत दिक्कतें दे सकती है तुम्हारा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो ऐसा आगे जाके बन जाएगा कि तुम्हें कभी ना कभी वो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हिट करने वाली है और बहुत गंदी हिट करेगी दूसरी चीज़ जो लोग गेम्स पे बिलीव करते हैं या मतलब ऐसे अजीब अजीब चीज़ें हो गई थ्री एज फॉर अ वमेन या थ्री सीज हाउ टू अट्रैक्ट अ वेन ये सब बकवास है ठीक है सिंपल सी बात है कोई भी है अच्छे से बात करो दोस्ती बढ़ाओ और बी ऑनेस्ट जो चल रहा है वो बात करो दोनों के लिए आप, एप्लीकेबल है नॉट ओनली बॉयज़ बट ऑल्सो गर्ल्स अगर तुम रिलेशनशिप में हो भी या आना भी चाहते हो तो फिर दोनों की साइड से एकदम ऑनेस्ट रहनी चाहिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अगर रिलेशनशिप में हो और ब्रेकअप्स अवॉइड करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कोई भी दिक्कत है बात करो बात करो बात करो मैंने तीन बार कहा है बात करो क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है कहीं अंडरस्टैंडिंग मतलब क्रिस्टल क्लियर की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा क्या चल रहा है दिमाग में वो आपस में बात होनी चाहिए कोई दिक्कत अगर वो पाइलअप हो गई एक बार और आगे जाके कभी ऐसे वापस आई तो वो जो वो सुनामी आती है ना वो ही ब्रेकअप्स मोस्टली करवाती है दैट लीड्स टू ब्रेकअप्स तो मतलब वही है बात करो बात करो अल्टीमेटली <laughs> उसी बात है बात करो अब रिलेशनशिप्स वगैरह की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कई लोगों के होती है कि ये मतलब पुराने ज़माने वाली बातें कि गलत है या गलत नहीं है hmm. सिंपल सी बात है अगर तुम अपना करियर एकदम स्टेबल रख पा रहे हो अगर तुम अपनी मेंटल स्टेट ठीक रख पा रहे हो ठीक है वो थोड़ा सा रिस्की है बट अगेन यू मतलब अगर तुम्हारे पे गट्स हैं कन्फेस करने के तो तुम्हारे पास गट्स होने चाहिए कि जब ब्रेकअप होए तो तुम खुद को संभाल पाओ दोनों तरफ से है मतलब अगर चक्रव्यूह में घुस रहे हो ना तो बाहर आना पहले सीख लेना तो अगर तुम्हारे पास दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जिनको भी लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं या ये चीज़ें बाद में आनी चाहिए या कुछ भी मैं तो स्ट्रिक्टली कहूँगा यार बिल्कुल सही है अगर तुम सही से हैंडल करना जानते हो ठीक है तो आ, और प्लस ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम लाइक like, सुन it. के या किसी का देख के नहीं अनलेस यू एक्सपीरियंस इट विल नॉट नो वॉट इज़ अ रिलेशनशिप तो सोशल लाइफ की बातें होगी रिलेशनशिप की बातें होगी तो अब फर्दर मूव करते हैं फ्यूचर प्लान्स के बारे में फ्यूचर प्लान से मतलब नहीं फ्यूचर फैमिली ये काइंड मैं पूछना चाह रहा हूँ कि करियर एडवाइस अभी करियर में क्या कर रहे हो तुम अभी और क्या गोल्स है तुम्हारे फ्यूचर के यार आ, फ्यूचर के गोल्स मेरे बहुत ज़्यादा एजुकेशन ओरिएंटेड मतलब पढ़ाई तो नहीं कर रही इतनी कि एम टेक वगैरह तो नहीं मैथ्स टू मैथ अगर मुझे नीड लगी जो कि बहुत कम प्रॉबिलिटी है तो मे बी एम बट आई डोंट थिंक सो जरूरत पड़ेगी या मैं जाऊंगा उस तरफ क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं बट काफ़ी मनी ओरिएंटेड बंदा हूँ तो फिर जैसे ही कॉलेज से निकले अच्छी खासी प्लेसमेंट लग जाए बहुत इतना भी मनी ओरिएंटेड नहीं हूँ कि मैं अपने मतलब एकदम ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ाना चाहूँगा अपने दिन पर थोड़ी डिसेंट जॉब मिल जाए आई एम हैप्पी विद इट या फिर अगर कुछ ऐसे आगे जाके फ्यूचर में कुछ ऐसे स्टार्टअप आइडिया वगैरह किसी के साथ मतलब मेरे को तो नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा क्रिएटिव हूँ बट किसी और के साथ कुछ कोलाब्रेशन में कुछ आइडिया लाता है मेरा दोस्त या कुछ कुछ भी हम कर सकते हैं तो आई एम ओपन टू ऑल दी अपॉर्चुनिटी ठीक है फ्यूचर के जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो तो ठीक है कि कॉर्पोरेट में जॉब लेनी है तो अभी जो सेकेंड ईयर में क्या चल रहा है अच्छा वो उसमें मतलब फिलहाल मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मतलब कोर्ट फोर्सेस मोस्टली मैं कॉन्टेस्ट देता रहता हूँ कोर्ट शेफ भी तो पैग में भी हूँ तो मतलब उसी ज्वाइन किया क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है वो जो एड्रेनलिन रश होता है ना दो घंटे का कि वह ये आगे निकल रहा है वो आगे निकल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे मतलब एनीथिंग मतलब जिसमें मैं पूरी दुनिया को भुला के एज एक जगह फोकस कर सकूँ वो जो दो घंटे की बात है ना लाइक आई एम नॉट अ वेरी पेशेंट मैन तो मैं एक महीने दो महीने नहीं रुक सकता अपना प्रोडक्ट देखने के लिए या कुछ करने के मुझे एकदम ऐसे क्विक चाहिए हाँ तो जो सीपी है वो मुझे वो प्रोवाइड करती है कि दो घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन बनाने तो बनाने और वो जो लाइक प्रेशर आता है ऊपर से आई लाइक दैट उसमें मुझे मज़ा आता है तो इसलिए मैं हाँ किक मिलती है तो इसलिए आई एम राइट नाउ मतलब फोकसिंग ऑन सी और अभी फ़िलहाल मैं कोर्ट फोर्सेस पे एक्सपर्ट हूँ uh, मतलब सेवनटीन हंड्रेड डेटिंग है ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्राऑर्डनरी तो नहीं है बट ओके okay. आगे मेरा प्लान है कि मैं जितना हो सके उसको एक्स्ट्राऑर्डनरी बनाऊँ जितना हो सके अपने कॉलेज को दे पाऊँ अपनी स्किल सेट के थ्रू और बाकी बहुत आ, मतलब अभी जैसे टाइम मिलेगा सेकेंड ईयर के बाद दिसंबर में थोड़ा सा टाइम है या फिर आगे जाके समर ब्रेक मिलेगा तो आई ट्राई टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शन वो तो देखते हैं पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई मुँह में शक्कर तो बहुत सुना है code forces, code chef, दोनों की का, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एस पी के लिए और अगर कोई सी एम कर रहा है मतलब एट द बिगिनर लेवल तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीपी का जो मेन एसेंस है या फिर कौन सी साइट पे रेटिंग बढ़ाना द मेन एसेंस ऑफ सी इज अपने माइंड को उस लॉजिकल लेवल तक ले जाना कि आप अच्छे से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सको कोई problem आपको प्रॉब्लम हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. और जो कंपनीज देखते हैं वो भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखती हैं हाँ बट ये है कि कोर्ट फोर्सेस इज द मोस्ट मतलब चोजन ऑप्शन बिकॉज उसका जो बेस है यूज़र बेस है वो कोर्ट अगर कोर्ट शेफ़ से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मतलब अगर कोर्ट शेफ़ में जितने आते होंगे आई गेस उसके टू या थ्री टाइम्स आराम से थ्री या फोर टाइम्स तो होता ही होगा उसका यूज़र बेस जितने कॉन्टेस्ट जितने लोग कॉन्टेस्ट देते हैं ठीक है जितने भी टॉप प्रोग्रामर्स हैं सब तो मैं कोर्ट फोर्सेस पे दिख जाएंगे प्लस कंपनीज भी जहाँ तक मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोर्ट शेफ़ भी पूछती हैं कोर्ट फोर्सेस भी पूछते हैं आई मीन रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली वो अपने ही बनाती है हाँ बट रेटिंग मतलब अगर किसी को एक चूज करना हो तो वो कोर्ट फोर्सेस चूज करेंगी ऐसे कोई ऐसा नहीं कि कुछ बेटर है या कुछ है बोथ आर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स जिसका जो जिसको जो सूट करता है सोटेबल लग रहा है उस वो कीजिए बस अपनी स्किल्स एनहानस करते रहिए। तो ठीक है सी पी की बात आ रही है जैसे फर्स्ट ईयर में भी कोई बच्चे आ रहे हैं और कुछ लोग सेकेंड ईयर में वो भी स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से सी पी करना तो कि क्या क्या ध्यान रखे क्या क्या स्टार्ट करे कहाँ से करे कुछ पहले तो स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो सबके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है लैंग्वेज अगर आपको कोई पहले से लैंग्वेज आती है नो no प्रॉब्लम उसमें कीजिए अगर आपका मन है तो उसमें कीजिए बाकी एज अ मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर एंड एज मच आई हैव सीन लो पीपल प्रेफर टू यूज़ सी प्लस प्लस फॉर कॉम प्रोग्रामिंग तो अगर आपको बिल्कुल ही नए हो कोडिंग की दुनिया में तो आई वुड प्रेफर कि आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें मतलब मेरी प्रेफरेंस है आपकी जो मर्जी आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें आप बेसिक बेसिक से पता कर लीजिए उसके बाद कॉन्टेस्ट दीजिए थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए जितनी भी साइट्स के मैंने नाम लिए थे उनमें से किसी में भी जो जिसका आपको इंटरफेस सही लग रहा है जिसमें आप जिसके कॉन्टेस्ट की आपको टाइमिंग सूट कर रही है उस हिसाब से आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं आ, मतलब लोग दिक्कत क्या होती है कि लोग वेट करते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा जगह फिर हम देना स्टार्ट करेंगे कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो ऐसे डिजाइन होते हैं कि आप कुछ तो कर पाएंगे वो जो कुछ है उसी को हमको धीरे धीरे पुश करना है कुछ से थोड़ा बहुत फिर उससे और बहुत उससे सब कुछ तो ये जो ये जो लेवल्स हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे तो अभी स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए बेसिक सेंटैक्स फॉलूप एफ एल्स ये सब एरे स्ट्रिंग इतना पता कर लिया देना शुरू कर दीजिए उसके बाद आपको धीरे धीरे जो रिसोर्सेस मिल जाएंगे अगर आई में कोई ये सुन रहा है तो ऑब्वियसली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किसी भी Uh, या अपने सीनियर्स को आई टी किसी भी कॉलेज में अगर को कोई सुन रहा है तो आपके सीनियर्स आपको अच्छे से डिटेल में गाइड कर देंगे उसके बाद स्क्रैच से मैंने बता दिया फर्स्ट स्टेप इज बेसिक सेंटैक्स एंड स्टार्ट गिविंग द कॉन्टेस्ट ऑन एनी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट बाकी तेजस का इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा तो जब ये फ्री होंगे तो तुम्हारे डीएम चेक करके तुम्हारी हेल्प करी देंगे जरूर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प

कुछ कुछ को बहुत कुछ आता है कुछ कुछ को कुछ नहीं आता है सब तरह के लोग तुम्हारे बीच घूम रहे हैं अभी तुम्हारी जस्ट स्टार्ट ऑफ द रेस है जैसे अगर तुमने पॉडकास्ट में जो मैंने पहले कहा था कि किस हो सकता है किसी को हेड स्टार्ट मिला होगा हो सकता है किसी को ना मिला हो ठीक है बट द पॉइंट इज तुम अभी यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ योर रेस ठीक है ठीक है अब मतलब यू हैव जस्ट मूव्ड ऑन टू न्यू स्टेज ऑफ लाइफ कॉलेज लाइफ तो अभी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार तुम्हें तो सबसे कम टेंशन लेनी चाहिए नहीं मतलब इतनी हाँ मतलब तुम स्टार्ट कर रहे हो अपने चार और मैं बताना चाहूंगा चार सबसे हसीन साल है यार मतलब इसके बाद मे बी तुम मास्टर्स करो या कुछ करो दो और मिल जाए ये मिल जाए बट एटलीस्ट ये चार तो जो हैं वो वापस नहीं आने ठीक है तो इनको अच्छे से चेरिश करो जितना हो सकता है इंटरैक्ट करो लोगों से मैं वही कहता हूँ यार जो अच्छे कॉलेज में है या मतलब अच्छे में एज एन कॉलेज तो बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा बुरा क्या ही बोलूं बट जो भी कॉलेजेस में मिलता है जो इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको यूज करो यार कमरे में बैठ बैठ के तो तुम किसी भी चाहे तुम किसी कॉलेज में हो ना तुम अपनी लाइफ मतलब बस नेगेटिव तो तक सीमित कर वही रूम मतलब रूम और कॉलेज में जो अंतर है वो लोगों से आता है यार मतलब उसको कॉलेज लाइफ को जई लाइफ मत बनाओ प्लीज बाहर निकलो लोगों से इंटरक्ट करो इंटरक्शन इज द की फॉर कॉलेज लाइफ मतलब अगर मैं सही में बताऊं ना तो मेरे से अगर तुम एम पूछोगे कि इस कॉलेज लाइफ से क्या होगा तो सिंपल सी बात है जो लोग मेन गेट के उस साइड जाएंगे उनको याद रहना चाहिए तेजस सजवान एक बंदा था और जब मैं मेन गेट से उस साइड जाऊंगा तो इस साइड वालों को याद रहना चाहिए कि तेजस सजवान एक बंदा था ये मेरी कॉलेज लाइफ का एम है ठीक है जितने लोग मुझे जान पाए जितने लोगों से के को मैं हेल्प कर पाऊ जितने जूनियर्स को मैं हेल्प कर पाऊ जितने सीनियर्स से मैं हेल्प ले दोनों ही मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये जो कॉलेज कल्चर है क्या है ये मतलब जैसे चापो ले ले तो वो फाइनेंशियली होता है गिव गिव एंड एंड टेक टेक बट इन जनरल कॉलेज का ओवरऑल कल्चर क्या है give and take, कि हम सीनियर्स से इतना कुछ लेते हैं अपने जूनियर्स को देते हैं वही तो आईआईटी को आईआईटी बनाता है या किसी कॉलेज को कॉलेज बनाता है नॉलेज और एक्सपीरियंस एग्जैक्टली एक्सपीरियंस नॉलेज तुम्हें तुम्हारे प्रोफेसर देंगे या फिर तुम नेट से उठा लोगे सबको नॉलेज कैन बी गेट बट एक्सपीरियंस जो है ना वो तुम्हें जो कॉलेज दे पाएगा वो मतलब जो गोल्डन एक्सपीरियंस है घूमो फिरो जितनी हो सकती है अलग अलग चीजें ट्राई करो सब करो और स्ट्रेस मत लो सब कुछ कुछ हो जाएगा जब सीनियर सीनियर कहता है है ना कई सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें का जवाब नहीं आता है, भाई रुक जा से, अभी सेम बन था था। है टाइम आते हो, हो जाएगा उसकी बात मानो हो जाएगा फ्यूचरिस्टिक गोल्स को लेकर टेंशन मत लो अभी कुछ है तो पूछ लो अपने सीनियर से बट फ्यूचरिस्टिक के लिए मैं यही कहूंगा कि हो जाएगा तो उस पे आ, पर बिलीव करो और हाँ जहाँ तक रही टिप्स वगैरह लेने की सवाल है जहाँ सीनियर्स की बात निकली गई तो यार मतलब सीनियर्स की एज सीनियर्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ जूनियर्स तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सामने वाले सीनियर की क्रेडिबिलिटी एक बार देख लेना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ मैंने मतलब ठीक है ऐसे पार्टी वार्टी में नाच लिया बट डांस मैं बहुत बुरा करता हूँ <laughs> तो अब मैं कल को किसी बच्चे को जूनियर को ये बोलने लग जाओ कि डांस क्लब ऐसा है या वैसा है

ठीक है और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो ठीक है डरने की जरूरत नहीं है कोई तुम्हें डराना नहीं चाहेगा और आजकल तो बिल्कुल मतलब बात ही नहीं है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई या फिर कॉलेज सीनियर्स खुद भी और मतलब हर जगह से तुम्हें सब बचा ही रहे हैं एज एन तुम्हारा टेक केयर के लिए ही बनी है ये पूरी इंस्टीट्यूशन जितने भी तुम्हारे इंस्टीट्यूशन हैं तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं बट स्टिल रिस्पेक्ट एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट

रिस्पेक्ट ही देंगे हम हमें कोई अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने में कुछ मजा नहीं आता हम भी तुमको मिलके तुमको मतलब जितना हो सके हम भी अपनी तरफ से देना ही चाहते हैं तुम्हें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ क्योंकि ये चार साल फिर नहीं आने वाले एकदम अच्छे से इन्जॉय करो थरेली इंजॉय करो और वर्क हार्ड पार्टी हार्डर